नाउ अब मैं क्या करता हूँ भैया, आपका फर्स्ट प्रॉब्लम था k बाय एस, फिर मैंने एक पोल ऐड किया s प्लस वन, अब मैं एक और पोल ऐड कर रहा हूँ s प्लस टू सपोज, ठीक है, या सपोज मैं ऐड कर रहा हूँ s प्लस फोर, ठीक है, इजी कैलकुलेशन के लिए। तो भैया अब क्या होगा, सबसे पहले आप थर्ड रूल लगाएंगे, तो पहले सेकंड रूल देख लेते हैं, p इज इक्वल्स टू थ्री, तीन पोल्स हैं, जीरोज है ही नहीं, दैट मीन्स कितने जीरोज इन्फिनिटी पे हैं, तीन, तीन जीरोज इन्फिनिटी पे हैं, तीन ब्रांचेज होंगी रूट लोकस की, तीन में से कोई भी ब्रांच जीरो पे टर्मिनेट नहीं होगी क्योंकि जीरो है ही नहीं, सो सारी ब्रांच कहाँ टर्मिनेट करेंगी, इन्फिनिटी पे, जहाँ पे जीरोज बैठे हुए हैं, इमेजिनरी जीरोज आ रहे हैं इन्फिनिटी, ये मैंने आपको बोला था। सो पी माइनस जेड इज इक्वल टू थ्री, पी माइनस जेड थ्री होगा तो तीन एसिम्प्टोट होंगी डेफिनेटली, थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, एसिम्प्टोट का एंगल मैं आपको बता चुका हूँ, इस केस के लिए जब पी माइनस जेड थ्री है तो तीन एसिम्प्टोट होंगी, और तीन एसिम्प्टोट होती हैं तो 60, 63, 180, 60 × 5, 300, सो तीन एसिम्प्टोट होंगी, ठीक है। बट सबसे पहले आपको थर्ड रूल लगाना होगा, मैं फर्दर नेक्स्ट रूल की तरफ चला गया। सो आपका एक पोल यहाँ पे है, एक ओपन लूप पोल आपका माइनस वन पे है, और एक ओपन लूप पोल आपका माइनस फोर पे है, ठीक है। नाउ सबसे पहले आप पार्ट ऑफ द रियल एक्सेस देखना होगा कि कौन सा पार्ट रूट लोकस का पार्ट है रियल एक्सेस पे, ठीक है। सो ये पार्ट डेफिनेटली होगा क्योंकि इसके राइट में एक पोल है, दैट मीन्स ऑड नंबर, तो ये पार्ट नहीं होगा एंड दैट मीन्स ये पार्ट होगा, ठीक है। नाउ अब उसके बाद तीन एसिम्प्टोट्स हैं, तीन एसिम्प्टोट्स आपकी हो गई, तो आपको डेफिनेटली सेंट्रॉइड भी निकालना होगा, ठीक है। तो सेंट्रॉइड मैं आपको निकाल के नहीं बता रहा हूँ, सब कुछ रियल ही है, रियल पोल्स हैं, जीरोज हैं ही नहीं, दैट मीन्स सम्मेशन पोल्स, सम्मेशन जीरोज जीरो होगा डिवाइडेड बाय पी माइनस जेड थ्री, ठीक है। सो ये जो आपका आंसर आएगा दैट वुड बी, ये आपका सेंट्रॉइड आएगा माइनस टू लोकेशन पे, सो इस पॉइंट पे माइनस टू, ठीक है, माइनस टू पे आपका सेंट्रॉइड है, सो डॉट से रिप्रेजेंट करना है सेंट्रॉइड को, ठीक है। सो इस केस में आप देख रहे हैं सेंट्रॉइड कहाँ पे है, सेंट्रॉइड रूट लोकस के ऊपर नहीं है, ठीक है। सो सब कुछ आपको ऑब्जर्व करना है, सो सेंट्रॉइड से आपको 60 बनाना है, फिर 300 दैट मीन्स माइनस 60 बनाना है, और फिर ये आपको एक डॉटेड ये बनाना होगा 180, ठीक है। सो एक एसिम्प्टोट ये है, एक एसिम्प्टोट ये है, और एक ये है, ठीक है भैया। नाउ अब तीन एसिम्प्टोट हैं, दैट मीन्स तीन पोल्स एसिम्प्टोट के डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे और इन्फिनिटी पे जो जीरोज बैठे हुए हैं उनसे मिलेंगे जाके, ठीक है भैया। नाउ अब आप देखें कि ये सब आपको पता लग गया, नाउ आपको डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल तो पता है बट आपको पाथ देखना है, ठीक है। सो आपको क्या देखना होगा, आप ये देखें कि जब k इज इक्वल टू जीरो है तो क्लोज लूप पोल इन्हीं लोकेशन पे है जहाँ पे आपके ओपन लूप पोल्स हैं, ठीक है। बट आप देखें जैसे जैसे k इंक्रीज करेगा तो ये पोल इधर नहीं जाएगा, ये उधर ही जा सकता है, सो ये तो भैया उधर ही जाता जाएगा और इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा अपने ज़ीरो से, सो इसका संबंध उसके साथ बन जाएगा, ये ज़ीरो से जाके मिल जाएगा। बट ये क्या करेंगे, जैसे अभी k ज़ीरो है तो ये यहाँ पे बैठे हुए हैं क्लोज लूप पोल्स, जैसे जैसे आप k को इंक्रीज करोगे तो एक दूसरे की तरफ बढ़ना चालू करेंगे, ध्यान रखना इनको एक दूसरे से मीट नहीं करना, इनको ज़ीरो से मीट करना है, ज़ीरो इन्फिनिटी पे ही प्रेजेंट है इस केस में, सो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, फिर आके ये दोनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, दैट मीन्स देयर इज़ डेफिनेटली अ ब्रेक अवे पॉइंट जो आपको निकालना पड़ेगा। सो ब्रेक अवे पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी होगी, सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी बनेगी s³ + 6s² + 8s + k, सो इज इक्वल टू जीरो, सो k इन टर्म्स ऑफ s क्या होगा, माइनस s³ + 6s² + 8s, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे dk/dx इज इक्वल टू जीरो, तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ 3s² + 6 × 12s + 8 इज इक्वल टू जीरो, से माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ से आपको दो पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, -0.8 and -3.15, ठीक है। अब दो पॉइंट्स मिले, इसका मतलब ये नहीं है कि अब प्रेडिक्शन वाइज आपको एक ही ब्रेक अवे पॉइंट दिख रहा है, दो ब्रेक अवे पॉइंट नहीं हो सकते, बिकॉज मल्टीपल रूट्स की पॉसिबिलिटी एक बार ही आ रही है और वो है ये पर्टिकुलर केस,
ठीक है। सो इसी मोमेंट पे आपकी मल्टीपल रूट्स की प्रोबेबिलिटी आ रही है और वो एक ही बार आ रही है, ठीक है। सो अब इन दोनों में से चेक करना है आपको, -0.8, -1 और 0 के मिडल में होगा डेफिनेटली, ठीक है। सो ये वैलिड है। -3.15, -4 एंड -1 के बीच में होगा। मैंने आपको बताया था कि भैया ब्रेक अवे पॉइंट इज अ पॉइंट ऑन द रूट लोकस, ये रूट लोकस का पार्ट नहीं है, इसलिए जो पॉइंट रूट लोकस के पार्ट पे नहीं आ रहा है ये वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट नहीं होगा। आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कर रहे सो इसको आप इसमें पुट करके देखिएगा कि नेगेटिव आएगा, कि नेगेटिव आएगा दैट मीन्स ये वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट नहीं है, ठीक है। या फिर आप एंगल क्राइटेरियन से भी चेक कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में रखेंगे तो आपको जो एंगल है वो ऑड मल्टीपल ऑफ 180 नहीं मिलेगा, ठीक है भैया। सो भैया ये दोनों यहाँ पे आके मिल गए और ये जो पॉइंट है दैट इज -0.8। सो ये मत सोचना कभी भी कि भैया दो पोल्स हैं, दो पोल्स के बीच में जो पार्ट है दैट इज अ पार्ट ऑफ द रूट लोकस। सो डेफिनेटली दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करेंगे और आके मीट करेंगे, दैट मीन्स मल्टीपल रूट की एक पॉसिबिलिटी बनेगी डेफिनेटली। सो प्रेडिक्शन जो मैं आपको बोल रहा था, द फर्स्ट प्रेडिक्शन इज दैट वेन एवर देयर आर टू एडजेसेंटली प्लेस्ड पोल्स, एडजेसेंट मतलब एक पोल यहाँ है एक पोल यहाँ है, बीच में कुछ भी नहीं है, बीच में एक और पोल या एक और जीरो नहीं है, ठीक है। नाउ प्रेडिक्शन इज व्हेन देयर आर टू एडजेसेंटली प्लेस्ड पोल्स विद द पार्ट ऑफ द रियल एक्सिस इन बिटवीन देम एज अ पार्ट ऑफ रूट लोकस। सो इस केस में है, ठीक है। सो अ पार्ट ऑफ द रूट लोकस देन देयर डेफिनेटली एग्जिस्ट अ ब्रेक अवे पॉइंट इन बिटवीन देम, ठीक है। बट ये मत सोचना कि जो ब्रेक अवे पॉइंट होगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली मिडल में होगा, ऐसी कोई वो नहीं है, ठीक है। सो इस केस में जो ब्रेक अवे पॉइंट है दैट इज नियर टू -1 पोल, ये पॉइंट, ठीक है। सो यहाँ से भैया ये दोनों आके मिलेंगे, ये धीरे धीरे इसको रीच करेगा, ठीक है। सॉरी, आप ये देखें कि सपोज के इज इक्वल टू 10 के लिए ये मीट कर रहे हैं। सो के 0 से 10 तक तो ये इसने इतना छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया और 0 से 10 में ये इतना बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दैट मीन्स ये रिलेटिवली ज़्यादा तेज़ मूव कर रहा है और ये रिलेटिवली स्लोली मूव कर रहा है, ठीक है। ये एक ऑब्जर्वेशन है बस और कुछ नहीं, ठीक है भैया। सो डेफिनेटली अब ये यहाँ पे आके मिल गए, अब इनको ब्रेक करना है, ठीक है। ब्रेक किस डायरेक्शन में करेंगे आपको कुछ नहीं सोचना है, ब्रेक करके इनको एक ही डायरेक्शन है जो पॉसिबल है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एसिम्प्टोट, ठीक है। अब डायरेक्टली एसिम्प्टोट के ऊपर भी जा सकते हैं, एसिम्प्टोट के नीचे भी जा सकते हैं, या फिर एसिम्प्टोट के इधर से भी जा सकते हैं, ठीक है। सो इस केस में बस आप ये याद रखें कि ये अभी यहाँ पे जाएंगे, क्यों जाएंगे, नीचे की तरफ से क्यों जा रहे हैं, बिकॉज मैं आपको अभी एक रूल नहीं बता चुका हूँ जो यहाँ पे लगना है, उससे आपको पता लग जाएगा कि भैया ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है जो रूट लोकस का पॉइंट है जो इमेजिनरी पे कट करेगा, और जो एसिम्प्टोट्स का पॉइंट है जो कट करेगा, एसिम्प्टोट वाला पॉइंट ऊपर है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स से पता लगेगा आगे जब रूल आएगा तब, ठीक है। सो अभी इस केस के लिए आप याद रखें कि ये शेप होगा, सो ये पार्ट ये आपका, ठीक है भैया। सो एक पोल इधर ट्रैवल करेगा, सो एसिम्प्टोट आपको बस डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल बताएगा। सो ये पोल धीरे धीरे गेन जैसे इंक्रीज कर रहा है, सो ये इन्फिनिटी पे जाके अपने 0 से मिल जाएगा, ऐसी एक पोल जो है वो इधर पाथ ले लेगा एसिम्प्टोट के डायरेक्शन में और ये अपना 0 से जाके मिलेगा। नाउ भैया अब आप नोटिस करें कि जब आपने ये वाला पोल ऐड करा तो दो अभी तक क्या थे, दो एसिम्प्टोट थे, एक 90 और एक 270, ठीक है। अब एसिम्प्टोट हो गए आपके 60, 300 एंड 180, ठीक है। दैट मीन्स उसकी वजह से क्या हुआ, एक पोल ऐड करने की वजह से एसिम्प्टोट इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए, तो जो पार्ट ऑफ द रूट लोकस है वो भी इस के वैल्यू के बाद, फॉर दिस के वैल्यू, अभी आपको नहीं पता, फॉर दिस के वैल्यू द सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल, बिकॉज दो जो हैं वो कहाँ पे हैं, इमेजिनरी एक्सिस पे पोल्स हैं। सो अभी सपोज ये जो है दैट इज के इज इक्वल टू 20 के लिए ये जो दोनों हैं ये कहाँ पे आ गए, इमेजिनरी पे। सो के इज इक्वल टू 20 मीन्स
के इज इक्वल्स टू के मार्जिनल, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, दैट के मार्जिनल के बाद ये कहाँ जा रहे हैं भैया, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। सो ये इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स के मार्जिनल के बाद, ठीक है, फॉर के ग्रेटर देन के मार्जिनल सिस्टम क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है, बिकॉज पोल्स आर एच एस में आ गए। कितने पोल्स आर एच एस में आए, दो, ठीक है। सो दो पोल आर एच एस में आए, दैट मीन्स दो साइन चेंजेस आपको दिखने चाहिए, ठीक है। तो वो सब कुछ आपको कौन बताएगा भैया, आपको बताएगा राउत अरे बताएगा। सो राउत अरे बनाते हैं भैया इसका। सो राउत अरे बनाएंगे, सो सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 6s² + 8s + k = 0, दैट मीन्स आपका जो होगा दैट वुड बी लाइक ये आपका s³ s² s₁ s₀। सो मैं डायरेक्टली बना देता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। 6k और यह होगा आपका 48 - k/6, ठीक है, एंड k, ठीक है, ये होगा 0, ये होगा 0। नाउ अब अगर k इज इक्वल्स टू 48 हो गया, देन ये रो कम्प्लीटली 0 हो जाएगी, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा, ठीक है। सो k इज इक्वल्स टू 48 के लिए आपको क्या मिलेगा भैया, इमेजिनरी रूट्स। सो k इज इक्वल्स टू 48 पे ये रूट्स होंगे। सो अगर आपको ये पॉइंट देखना है कि इस ये रूट्स किस गेम के लिए हैं, तो वो आपको राउत अरे बताएगा, ठीक है। और वो आपको ये भी बता सकता है अगर आप मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया यूज करोगे, बट इजी टू कैलकुलेट कहाँ से है, राउत अरे से, ठीक है। सो k इज इक्वल्स टू 48 पे भैया आपके जो रूट्स हैं वो ये हैं, ठीक है। आपको लोकेशन भी कहाँ से पता लग जाएंगी, यहीं से आप देखें 6s² + k = 0, दैट मीन्स 6s² + 48 = 0, 6 8 48 s² = -8, दैट मीन्स s = ±j√2, ठीक है। सो ये पॉइंट क्या होगा, ±j√2, और ये क्या होगा, ये होगा +j√2 और ये होगा आपका -j√2, ठीक है, ये रूट्स हो गए। फिर उसके बाद अगर आप क्या देखते हैं, k इज इक्वल्स टू 48 के लिए आपको मिल गया कि भैया मार्जिनली स्टेबल है, k लेस देन 48 के लिए आप चेक करके देखना, ये भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव होगा। सपोज 20 रखता हूँ, सो 20 के लिए पॉजिटिव है, 48 - 20 पॉजिटिव है, तो 20/6 भी पॉजिटिव होगा। नो साइन चेंजेस मतलब सिस्टम स्टेबल है। सो 48 से कम के लिए ये जो इतना पार्ट है आपका, ये जो इतना पार्ट है, दैट इज 0 to k 48, 48 पे जो आपके रूट्स हैं वो यहाँ पे आ गए, के इज इक्वल्स टू 48, ठीक है। के इज इक्वल्स टू 48 के लिए दो रूट्स तो ये हैं और एक रूट यहाँ कहीं पे होगा, k ग्रेटर देन 48 का पार्ट ये है, ठीक है। 48 के बाद दो रूट्स यहाँ पे है, एक रूट यहाँ पे कहीं पे होगा, दैट मीन्स ये स्टेबल की कंडीशन है, ये मार्जिनली स्टेबल की कंडीशन है और ये स्टेबल की कंडीशन है। सो सब कुछ आपको कनेक्शन दिख रहा होगा रूट लोकस एंड राउत अरे में, बट आप एक चीज़ नोटिस करें, दैट एक पोल ऐड करने से जो सिस्टम प्रीवियसली जो सिस्टम थे अभी तक जो आपने देखे, k/s and k/s+1, ठीक है, k/s था तो रिलेटिवली बहुत स्टेबल था, एक पोल ऐड करने से जो लोकेशंस हैं वो इमेजिनरी की तरफ शिफ्ट हो गई थी इस तरफ, ठीक है। सो रिलेटिवली सिस्टम स्टेबिलिटी डिक्रीज हुआ। अब s+4 और ऐड करा, एक और पोल और ऐड करा, सो कुछ k वैल्यूज के लिए सिस्टम अब अनस्टेबल भी हो रहा है, दैट मीन्स रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या हो रही है भैया आपकी, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ऑब्वियसली आप सिस्टम को स्टेबल ही डिजाइन करेंगे, सो आप 48 से कम वैल्यू के लिए सिस्टम को डिजाइन करोगे, स्टेबल आपको डिजाइन करना है क्योंकि, ठीक है। बट रिलेटिव स्टेबिलिटी वाइज अगर आप सोचो तो आपको क्या दिख रहा है, दैट देयर आर सम के वैल्यूज जिसके लिए सिस्टम अनस्टेबल भी है। सो आप कंक्लूजन क्या दोगे, दैट सिस्टम इज रिलेटिवली लेस स्टेबल एज कंपेयर टू प्रीवियस केसेस, ठीक है। सो ये आपका यहाँ पे हुआ। सो सब कुछ आपको पता लग रहा है भैया। ना भैया मैं आपको वो बता ही देता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट के ऊपर ही क्यों होगा,
ये बताने के लिए आप ये देखें कि ये है आपका माइनस टू, सो ये डिस्टेंस होगा आपका माइनस टू, ठीक है, और ये एंगल आपका है 60, ठीक है। सो अब देखें कि आप इस ट्रायंगल में अगर आप लगाते हैं, ये 60 है, ये आपका है 2, माइनस 2, दैट मीन्स 2 है एक तरह से, तो आप देखें 1060 इज इक्वल्स टू दिस, सपोज ये x है, या चूंकि ऊपर की डायरेक्शन में है तो सपोज y है, y डिवाइडेड बाय 2, सो y इज इक्वल्स टू 2 tan 60, क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड देखना है बस, ठीक है। सो कितना हो गया भैया, 2√3, ठीक है। ये पोल कहाँ पे है, 2√2 पे है, सो 2√2 नीचे होगा या 2√3 नीचे होगा, ऑब्वियसली 2√2 नीचे होगा, दैट मीन्स ये जो पाथ है ये एसिम्प्टोट से नीचे की तरफ से जा रहा है, ठीक है भैया। सो ये आपका 2√3 वाला कट होगा, सो इसका मतलब जो रूट लोकस है वो एसिम्प्टोट के नीचे से ट्रेवल कर रहा है। सो सब कुछ मैंने आपको बता दिया भैया कि पोल ऐड करने से क्या हुआ, रूट लोकस ये है, प्रिडिक्शन क्या है, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, सो डेफिनेटली एक ब्रेकअवे पॉइंट होगा, चूंकि इनके दोनों का जो बीच का पार्ट है वो रूट लोकस है, सो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे तो डेफिनेटली मल्टीपल रूट्स की भी पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी, दैट मीन्स ब्रेकअवे पॉइंट होगा बीच में, ठीक है। सो एक रूट तो भैया अपना जा रहा है मजे में, ये दोनों रूट जो हैं ये कॉम्प्लेक्स पाथ ले रहे हैं, ठीक है। सब कुछ मैंने स्टेबिलिटी का आपको राउथ से कनेक्शन बता दिया भैया, राउथ से क्या कनेक्शन है, इन दोनों पॉइंट्स को कैसे निकालना है और किस के लिए ये दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं, के मार्जिनल है वो भी मैंने आपको बता दिया, फिर के मार्जिनल से ज़्यादा लोगे तो भैया सिस्टम आपका अनस्टेबल हो रहा है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है भाई। नाउ सो आपने क्या देखा भैया, पोल ऐड करने से जो आपकी जो एसिम्प्टोट है वो 180 पे थी, फिर 90 पे आ गई और फिर वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई, सो सिस्टम उस वजह से रिलेटिवली लेस स्टेबल होता जा रहा है, ठीक है भैया। जो आपका पार्ट ऑफ द रूट लोकस है वो अब नेगेटिव में भी जा रहा है आरएचएस में, सो रिलेटिवली लेस स्टेबल हो रहा है भैया। अब बात करेंगे कि भैया अगर ये देखें आप पी माइनस जेड इज इक्वल्स टू समथिंग, कुछ है, ठीक है, प्रीवियस केस में जीरो था जेड, जेड तो जीरो ही है, सबसे पहले एक पोल था तो पी माइनस जेड आपका था 1, आप बस पोल्स को इंक्रीज कर रहे हो, फिर आपने कर दिया 2, सो अब पी माइनस जेड कितना हो गया 2, दैट मीन्स 90 और 270 आपके एसिम्प्टोट हुए, फिर आपने कर दिया 3 माइनस जीरो, सो 60, 180 और 300, तीन एसिम्प्टोट हो गए, फिर पोल और ऐड करोगे तो और क्या होगा भैया आपका 4 होंगी अब एसिम्प्टोट्स, ठीक है, और सिस्टम अब भी क्या होगा भैया आपका अनस्टेबल होगा कुछ कैटेगरी में, ठीक है, फॉर सम वैल्यूज फॉर सम रेंज ऑफ के डेफिनेटली सिस्टम अनस्टेबल होगा, ठीक है। सो आप क्या देख रहे हो कि पोल ऐड करने से, जीरो को आप एज इट इज रख रहे हो बट पोल ऐड करने से सिस्टम रिलेटिवली अनस्टेबल हो रहा है, ठीक है, रिलेटिवली रिलेटिव स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, सपोज 1 माइनस 0 आपका 1 है, 2 माइनस 0 आपका 2 है, दो एसिम्प्टोट, अब आप क्या करते हो इस केस के बाद, आप एक सपोज 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3, तीन एसिम्प्टोट है, ठीक है, तो तीन एसिम्प्टोट है, दैट मीन्स जो एसिम्प्टोट्स हैं वो नेगेटिव की डायरेक्शन में, आरएचएस की डायरेक्शन में है, तो सिस्टम स्टेबल अनस्टेबल होगा कुछ कैटेगरी के लिए, कुछ रेंज के लिए। अब आप क्या करते हो, सपोज मैं एक 0 ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2, दैट मीन्स अब जो है एक 0 ऐड करने से एसिम्प्टोट कहाँ पे आ गई, 90-270 के आसपास आएंगी, ठीक है, 90-270 पे आ गई, दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल एलएचएस में ही है, ठीक है, अगर सेंट्रॉइड नेगेटिव में होगा तो इस एलएचएस साइड में, सो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल कहाँ है, एलएचएस में है, सो पोल्स तो एलएचएस में ही रहेंगे, ठीक है, सो रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो अब भैया 0 ऐड करके देखता है, सो इसी सिस्टम में अब मैं क्या करूँगा, ऐड एस प्लस 1, एक 0 ऐड करूँगा, सो मेरा प्रेडिक्शन ये है कि डेफिनेटली सिस्टम का जो स्टेबिलिटी है, सिस्टम जो है वो रिलेटिवली मोर स्टेबल होना चाहिए, सो अब मैं इसका रूट लोकस ड्रॉ करूँगा।